हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे ट्रफाइलेट LS सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी देंगे कि ये जो दोस्तों ट्रफाइलेट LS सिरप जो है, इसके आपको क्या फ़ायदे वगैरह मिलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या क्या सॉल्ट्स वगैरह इसमें डाले गए हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी पर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप क्या है दोस्तों, चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। ट्रफाइलेट LS सिरप जो है दोस्तों, इसको बनाया जाता है ओवरसीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। अगर दोस्तों सॉल्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें कुल जो है तीन प्रकार के सॉल्ट्स जो है इसमें डाले गए हैं, एम्ब्रोक्सिल, लिवोसॉल्बुटामोन और गुफेंसिन, ठीक है। एम्ब्रोक्सिल जो है दोस्तों इसमें 30 mg डाला गया है और लिवोसॉल्बुटामोन जो है इसमें 1 mg डाला गया है और गुफेंसिन जो है इसमें वो 50 mg डाला गया है, ओके। अब अगर प्राइस और पैकिंग की बात की जाए तो दोस्तों 10 ml की इसकी छोटी सी बॉटल जो है इसकी सिरप की, उसका प्राइस है लगभग 90 रुपये के करीब है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके फ़ायदों और इसके उपयोग के बारे में। तो दोस्तों ट्रफाइलेट LS सिरप का उपयोग जो है किया जाता है बलगम वाली खांसी का इलाज करने के लिए, ओके। ट्रफाइलेट सिरप जो है दोस्तों बलगम वाली खांसी से राहत देता है हमारी बॉडी को। यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है जिससे खांसी को बाहर निकलना आसान हो जाता है। इससे क्या दोस्तों, सांस लेना आसान हो जाता है और खांसी की आवृत्ति कम हो जाती है, ठीक है। ट्रफाइलेट LS सिरप जो है दोस्तों एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों में पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन से भी राहत देता है, ओके। लक्षणों को कम करने के लिए दोस्तों दवाओं के साथ आप क्या है, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिए, ठीक है, और गर्म नमक वाले पानी से गरारे करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे, ओके। अब हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ट्रफाइलेट LS सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जी में चलना, उल्टी करना, दस्त, पेट की खराबी, पेट दर्द, एलर्जी की प्रतिक्रियाएं, चक्कर आना, सरदर्द, खरोंच, झटके, धड़कन, मांसपेशियों में ऐंठन और बढ़ी हुई दिल की धड़कन, ठीक है। अब ये जो कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं ट्रफाइलेट LS सिरप के उपयोग के दौरान। वैसे दोस्तों इन साइड इफेक्ट्स के लिए क्या है, किसी डॉक्टरी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे जैसे आपकी बॉडी जब दवा के साथ तालमेल बना लेती है तो साइड इफेक्ट्स भी धीरे धीरे आपकी बॉडी से समाप्त हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स दोस्तों लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहें, आपको लंबे समय तक परेशान करें, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में और बात करते हैं कि ट्रफाइलेट LS सिरप जो है ये कैसे काम करता है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों ट्रफाइलेट LS सिरप जो है इसमें तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन है, एम्ब्रोक्सिल, लिवोसॉल्बुटामोल और गुफेंसिन, ठीक है, जो क्या है दोस्तों हमारी चेस्ट में जो है बलगम वाली खांसी जो होती है उससे राहत प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये बलगम जो होता है उसको पतला करके और आगे की तरफ धकेल देता है, मतलब ये चेस्ट को क्लियर कर देता है। तो ये काम करते हैं दोस्तों हमारी बॉडी में ट्रफाइलेट LS सिरप। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं करनी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्त, जय भारत।